O2O का पैलेट, एंड सबसे पहले मैं एक पेंसिल ब्रश लूंगी फ्रॉम सिग्मा ब्यूटी एंड जो पर्पल काइंड ऑफ शेड है उसको अप्लाई करूंगी आउटर वी की तरफ और इसको काइंड ऑफ आई शेप में मैं प्लेस करूंगी और धीरे धीरे इसको ब्लेंड भी करते रहूंगी क्रीज पे। सो मेनली आउटर वी की तरफ अप्लाई करूंगी इसको एंड क्रीज पे धीरे धीरे इसको लेके जाके ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं एक ब्लैक शेड लूंगी और उसको अप्लाई करूंगी आउटर वी की तरफ। सो ये थोड़ा सा डेप्थ काइंड ऑफ देगा आउटर वी पे और इसको भी मैं धीरे धीरे क्रीज पे भी अप्लाई करूंगी और काइंड ऑफ स्मोकी काइंड ऑफ इफेक्ट लाऊंगी दोनों शेड को ब्लेंड करते हुए। सो जब भी डार्कस्ट शेड अप्लाई करें तो थोड़ा छोटा ब्रश के साथ ही अप्लाई करें, इससे कंट्रोल रहता है कलर। नेक्स्ट मैं सेम प्लम शेड को फिर से अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी एंड क्रीज पे। सो ये काइंड ऑफ पिंकिश प्लम शेड है, सो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस शेड, बट एनीवे एंड देन मैं कट क्रीज ड्रॉ करूंगी, हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूंगी। इसके लिए मैं कंसीलर ली हूँ मेबलिन का और कंसीलर ब्रश के लिए मैंने यूज किया है प्रो आर्ट का ब्रश। सो सबसे पहले मैं इसको मार्क कर लूंगी क्रीज पे कहाँ पे मुझे कट करना है एंड देन लीड को मैं क्लीन कर लूंगी विद दैट कंसीलर। एंड देन कंसीलर के एजेस को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी विथ आउटर वी कलर। सो धीरे धीरे मैं कलर के साथ ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं यूज करूंगी दिस शिमरी शेड और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे भी कंसीलर अप्लाई किया था एक रैंडम फ्लड ब्रश के हेल्प से। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल शेड, बहुत ईजीली अप्लाई हो रहा है और फॉल आउट बहुत कम है। सो ये पैलेट काफ़ी अच्छा है। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो इनकेस आपको अगर परचेज करना है और चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा एजेस को क्लीन कर लूँगी आउटर वी की तरफ, इसके लिए मैंने कंसीलर से अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कोलोजल आईलाइनर और इसके हेल्प से मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। लोअर वाटर लाइन पे मैं काजल अप्लाई करूंगी, इसके लिए मैं यूज करी फेसेस कैनरा मैग्नेट आईज काजल और लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा स्मच कर लूंगी विद दैट प्लम पिंक शेड और पेंसिल ब्रश के हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर को पॉइंटेड क्रिएट करूंगी विद दैट सेम लाइनर एंड थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करूंगी यहाँ पे। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन अप्लाई सम ग्लिटर और इसको मैं फ्लड ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूंगी। शिमरी शेड एंड मैट शेड आउटर वी की तरफ मिट हुआ है वहाँ पे। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट रोलर लैश मस्कारा, अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। सो दिस इज़ ए नाइस मस्कारा, सो यू कैन ट्राई इट। मैं इसको नाइका से परचेज की थी, सो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी विथ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटर। सो ये परफेक्ट हाईलाइटर है इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए एंड आई लव दिस हाईलाइटर। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये आज का आई मेकअप ट्यूटोरियल। सो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो कलर थोड़ा सा बोल्ड है, आई मेकअप भी थोड़ा सा बोल्ड है, बट ये पार्टीज के लिए बहुत अच्छा आई मेकअप है और साथ में आप अगर इस कलर का ड्रेस पहन रहे हो तो उसके साथ भी अच्छा जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।